डीजीपी के आदेशों के बाद पांवटा पुलिस भी मुस्तैद दिखाई दे रही है। पांवटा साहिब गोविंद घाट बैरियर पर खुद डीएसपी व थाना प्रभारी के द्वारा प्रदेश में प्रवेश कर रहे वाहनों की जांच की जा रही है कि इन वाहनों में पर्यटकों के द्वारा घातक हथियार तो नहीं लाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा अधिकतर पर्यटक गोविंद घाट और बहराल बैरियर से हिमाचल में आगमन करते हैं। पिछले दिनों पर्यटक स्थल पर शरेआम पंजाब के पर्यटकों के द्वारा तलवारें लहराई गई थी। उसके बाद डीजीपी संजय कुंडू ने प्रदेश की सीमाओं पर ही इन वाहनों की चेकिंग करने के आदेश सभी जिला मुख्यालय में भेज दिए थे। उसके बाद शुक्रवार को पांवटा गोविंद घाट बैरियर पर खुद डीएसपी वीर बहादुर व थाना प्रभारी अशोक चौहान के द्वारा प्रदेश में प्रवेश कर रहे पर्यटक वाहनों की जांच की जा रही है। डीएसपी वीर बहादुर ने बताया कि पांवटा साहिब पर्यटक स्थल होने की वजह से यहां पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड आदि राज्यों के पर्यटक घूमने और गुरुद्वारा में शीश नवाजने के लिए पहुंचते हैं। यहीं से पर्यटक का आगमन शिमला, मनाली, चंबा आदि जिला के लिए होता है। डीजीपी के आदेशों के बाद पांवटा साहिब प्रवेश द्वार पर पुलिस टीम को तैनात कर दिया गया है। हर छोटे बड़े वाहनों की ट्रैकिंग की जा रही है और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उसके बाद ही यहां पर एंट्री दी जा रही है। सर, आज चेकिंग की जा रही है उसके बारे में। जैसा कि अनलॉकडाउन के पश्चात हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का आगमन बढ़ा है और इसी के तहत पांवटा साहिब में जो हमारा बॉर्डर एरिया लगता है, यहां से देहरादून और उधर से हरियाणा, काफी ज्यादा टूरिस्ट पांवटा साहिब में गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए आ रहे हैं और यहां से बाकी स्थानों के लिए भी वो निकलते हैं। इसी के तहत हमने अभी एक्सटेंसिव चेकिंग जो है वो व्हीकल्स की कर रहे हैं, उनकी डिक्की वगैरह चेक कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई ऐसी शस्त्र वगैरह ऐसी कोई चीज ना हो, नशीला पदार्थ अथवा कोई वेपन उनके पास ना हो, उसकी चेकिंग की जा रही है ताकि फर्दर जिस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं कि कुछ पर्यटक हुड़दंगी भी जा रहे हैं तो उन हुड़दंगियों को रोका जा सके और हम उनको बॉर्डर पे ही उनको कर्व कर सकें। ऐसे सभी बॉर्डर पे चेकिंग चल रही है हिमाचल पांवटा के साथ जितने भी लगते हैं। जी हाँ, पांवटा साहिब के ये अभी हम यमुना घाट बैरियर पे हैं, साथ ही हमारा बहराल बैरियर में भी मैसेज किया गया है और इसके अलावा माजरा में हरिपुर खोल बैरियर है हमारा, खोदरी माजरी गुरुवाला में है और किलोड बैरियर है, मीनस बैरियर हमारा जो है वो सिलाई के साथ पड़ता है। तो सभी को हिदायत की गई है और हर एक बैरियर में आज जो है एक्सटेंसिव स्तर पर चेकिंग चल रहा है। आने वाले टूरिस्ट को इसके अलावा कोई और निर्देश दिए जा रहे हैं जो बाहर पर्यटक आ रहे हैं? हमने पिछले दो तीन दिन से सभी टूरिस्ट के लिए जो कोरोना जिस प्रकार से कोरोना की कोशिश फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं तो हमारी ये हिदायत है कि सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हरेक गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ताकि ये जो खतरा है संक्रमण का नहीं है तो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही हमने हरेक कार्य को आगे करना है ताकि किसी प्रकार का ये संक्रमण जो है आगे ना फैले और किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पांवटा साहिब से देवान शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़े ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।